दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे, जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार है अमेरिका चाइना पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। जो दीवार है अमेरिका चाइना पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायकगण, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं गरिमा सिंह राजपूत देशभक्त और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपना कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी, आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकते हैं जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। युद्ध आज़ादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षा बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करवाई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत की स्थिति को उदाहरण से स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला के एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके एक नारो वंदे मातरम से उनके खून में आने वाली 105 पद डिग्री की उबाल अंग्रेजी शासकों की जड़ में तूफान ला देता था। उस समय की दौर की यही कसौटी थी। उसके बाद 61, 62 और 71 में जब लड़ाई के समय अपना युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की स्थिति ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग की सिंदूर गया, छोटे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटे नन्ही बेटियों की चोटियाँ चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई और आपके तो सिर्फ एक आदमी मरा साहब, मेरे तो घर की रोटियाँ ही चली गई। ऐसी स्थिति पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को पत्र लिखती है और उसमें लिखती है, माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना दुश्मनों के वार से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना दुश्मनों के वार से, एक इंच भी पीछे ना हटना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह अपना पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस समय की यही दौर था। उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, लेकिन अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। और बल्कि मेरे विचारों से एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपना काम पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से कर रहा हो। मैं नहीं मानती कि अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग से रंग लेना ही देशभक्ति है। और मैं ये भी, और आप अगर ये कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना देशभक्ति है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में लंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा हो तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवाला को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवाला को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन करने वाले को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन करने वाले को जानते हैं। अपना परिवार, अपनी समाज, अपने देश के लिए समर्पण है देशभक्ति। और एक देशद्रोही के लिए उसके जीवन में आने वाली तूफान ने हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि यदि तू परिंदा है तो ये बड़ा सा आसमान तेरा है, यदि तू परिंदा है तो ये बड़ा सा आसमान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो ये कब्रिस्तान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, यदि भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, यदि भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। परंतु एक देशद्रोही से ज़्यादा एक देशभक्ति तब आहट होती है जब हम देखते हैं कि एक बेटा अपने लाचार बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम के चौखट पर छोड़ आता है। अरे करा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबतों में फंसे लोग की जान बचाने से ज़्यादा सेल्फी लेके अपने लाइक्स बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देशभक्ति की आशाओं को बांध के रखने के, वही युवा आज 4x4 के छोटे से स्क्रीन के अपने अंगुलियों से मात्र कस्टम्स इमोजी भेजकर अपनी देशभक्ति साझा कर रहे हैं। 4 बोतल रोज का काम मेरा डोज का, अरे तबाह करके रखा है भारत के भविष्य को। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़कियों को लड़के से बात करते देख भाई हड़काते हैं और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं।
मैं आपको आज बता दूं कि आज भी हमारा देश महिला सुरक्षा में चौथे नंबर पर आता है। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पत्थर की मूरत को 56 भोग लगते हैं और एक भूखे तरसते लोग नंगे सो जाते हैं। मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के लिए इच्छुक ही हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान करके किसी मृतक को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। और न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, बस गुरूर मुझे इस बात की है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। परंतु आज ही मुझे एक बिचारी बीमारी अपने समाज में नज़र आती है और वो ये है कि हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में रहते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, मगर अफसोस मुझे इस बात की है कि एक अच्छा इंसान पैदा नहीं होता। और मेरे विचार से न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है, न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, सिर्फ एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। लास्ट में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा और होगा हौसला सबके मनों में बुलंद। तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।